बलदेव क्षेत्र के प्राइवेट विद्यालयों के द्वारा प्रधानमंत्री के आदेशों को न मानकर विद्यालय खोलकर बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। तस्वीरें बलदेव क्षेत्र के गांव जुगसना की हैं। यहां प्राइवेट विद्यालय प्रबंधकों को शासन प्रशासन का जरा भी भय नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। वहीं सभी शिक्षण संस्थाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और सभी को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। इसके ऊपर से ग्रीष्मकालीन छुट्टियां भी चल रही हैं। इसके बावजूद बलदेव क्षेत्र के गांव जुगसना का शांति देवी हायर सेकेंडरी स्कूल खुलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बच्चे भी इतनी तेज धूप में पीठ पर बैग लादकर स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें से कुछ बच्चों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। यहां लॉकडाउन के चलते भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां इस विद्यालय में बैच बनाकर पूरे दिन अलग अलग क्लासेस चलाई जाती हैं। भीषण गर्मी में बच्चे पैदल पैदल अपने घर से विद्यालय जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वैश्विक महामारी कोरोना ने इंसानों का जीना मुश्किल कर रखा है, तो वहीं बलदेव क्षेत्र के गांव जुगसना के शांति देवी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधन को इस महामारी का जरा भी भय नहीं है। एक ओर तो शासन प्रशासन के आला अधिकारी इस महामारी से निपटने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस महामारी को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में सरकार को भुगतना पड़ सकता है। इस संबंध में जब विद्यालय के बाहर खड़े एक अध्यापक से बातचीत की गई, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए बताया कि ये बच्चे उनके घर के बच्चे हैं, जो कि विद्यालय में आ जाते हैं, जिसके बाद वो अध्यापक विद्यालय को बंद करते हुए नजर आए। जबकि विद्यालय से बाहर निकलते हुए एक छात्र से बात की गई, तो उसने बताया कि शांति देवी हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़कर वो वापस अपने घर जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? किस विद्यालय पढ़ के आ रहे हैं आप? इसी वाले पीछे वाले स्कूल में? यस। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मीरो गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, अभी आप ये बैग टांग कर कहाँ से आ रहे हैं पढ़कर? किस विद्यालय में पढ़ते हैं आप? किस विद्यालय में पढ़ते हैं आप? नहीं, बताओगे? नहीं। क्या नाम है आपका सर? क्या नाम है सर आपका? बोलिए सर, आप खामोशी सबूत देती है कि सच आप झूठ बोलोगे? स्कूल बंद है, आप क्यों आए? बच्चे आपके विद्यालय से निकल के यहाँ से भी गए हैं। बच्चे ने अपने बाइट में बोला है कि घर के बच्चे हैं वो, तीन चार बच्चे मेरे हैं वो। तीन चार बच्चे विद्यालय में? बच्चे एक हो या दो हो या चार हो, अपने घर के बच्चे नहीं ला सकते विद्यालय में, नहीं पढ़ा सकते आप? मेरे घर के मेरे बच्चे हैं, मैं उनको घर। किस विद्यालय में आपको बोला गया है कि विद्यालय खोल के अपने बच्चों को घर में? अंदर आके देखिए क्या है, पहले आइए। मेरे आते ही आपने विद्यालय बंद कर दिया है, और बच्चे आपके यहाँ से कम 15 निकले हैं, 15 की क्लिपिंग है मेरे पास। अंदर आइए भाई, दिखाओ इनको अंदर पूरे में सभी। अभी तो खाली है, अभी तो खाली है। तो चार बच्चे तो मेरे हैं ना, वो मेरे घर के बच्चे। बच्चे गए 12, चार इस रोड पे गए, 8 इस रोड पे गए। मैंने आपकी नजर में होंगे, मेरी नजर में नहीं। आपकी नजर में नहीं है? नहीं, मेरी नजर। मतलब आपका स्कूल सही है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? चल रहा है पूरा कम्प्लीटली। मैं झूठ बोल रहा हूँ? कम्प्लीटली क्लोज है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कम्प्लीटली क्लोज है।